आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CAV सिस्टम और VAV सिस्टम। CAV सिस्टम में हम VAV सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और ये जो VAV सिस्टम होता है अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान होंगे, और इसके अलावा जो VAV होता है इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो इस VAV के ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है, मकसद है पहले कि आपको जब हम वो वीडियो बना के दिखाएं तो आपको अच्छे तरीके से पता हो कि ये जो हमारा VAV है ये काम क्या करता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो CAV सिस्टम। CAV सिस्टम मतलब कॉन्स्टेंट एयर वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट एयर वॉल्यूम। अब ये क्या है, कॉन्स्टेंट एयर वॉल्यूम को समझने के लिए पहले हम चलते हैं AHU के ऊपर। AHU आपको पता है कि जहां पे भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम बड़े पैमाने पे हम AHU का इस्तेमाल करते हैं। बड़े पैमाने से मुराद है कि हम ज्यादा एरिए के लिए हम AHU का इस्तेमाल करते हैं। अब एरिए से क्या मुराद है, वो रूम हो सकते हैं, वो ऑफिस हो सकते हैं, वो डिफरेंट रूम्स हो सकते हैं, इसके लिए हम AHU का इस्तेमाल करते हैं। आपके जो डिफरेंट रूम होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक AHU लगाया हुआ है, एक AHU है जो वो 12 रूम्स है, 15 रूम्स है, ये 10 रूम है, 10 रूम की 10 रूम के अंदर उस AHU की ठंडी हवा जा रही है और वहां से फिर दोबारा रिटर्न एयर हॉट एयर आपके AHU में आ रही है। ये आप देख रहे हैं, ये एक रूम ये बनाया, एक रूम ये बनाया, एक रूम ये बनाया, ये तीन रूम बनाया है। ये बेसिकली जितने भी ज्यादा 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अब इसको समझिएगा कि हमने ये जो VAV लगाया है ये क्यों लगाया, ये हमारा अगर हम ये नहीं लगाते तो फिर हमारा CAV सिस्टम है मुस्तकिल एयर वॉल्यूम कह लें तो सलसल के साथ, यानी कि कॉन्स्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम है। अब इसमें क्या नुकसान है कि अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते तो क्या नुकसान है, आप ये देखें ये जो डक्टिंग है, ये जब AHU हमने लगाया इसकी जो डक्टिंग हुई इन रूम्स की पूरी कैलकुलेशन करके हुई। मिसाल के तौर पे कोई भी जगह है जहां पे आप ये डक्टिंग सिस्टम लगा रहे हैं तो आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कि इतना एरिया है रूम का, इसके अंदर इतने डिफ्यूजर होंगे सप्लाई के, इतने रिटर्न के डिफ्यूजर होंगे, इसकी जो मेन डक्टिंग का साइज ये होगा, उस डक्टिंग से ये जो ब्रांचेस निकलेगी उसका भी ये साइज होगा, ये पूरी कैलकुलेशन करके फिर हमारा जो CAV सिस्टम है वो बनता है। अब इसमें अगर हम खाली CAV सिस्टम इस्तेमाल करें तो फिर हमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम तो बाहर नजर नहीं आती कि आपने पूरी कैलकुलेशन करके बनाया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं बता देता हूं आपको, जब आप कॉन्स्टेंट एयर वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, CAV का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी रिटर्न एयर आएगी आपके मेन डक्ट में। अब ये तीनों रूम से 10 रूम है, 10 रूम से आपकी रिटर्न आ रही है आपके AHU में आ रही है। अब AHU ये फिल्टर सेक्शन है, फिल्टर सेक्शन से गुजर के कूलिंग कॉइल है, जो कूलिंग कॉइल के ऊपर से गुजरेगी हीट ट्रांसफर होगी, ये ब्लोअर लगा हुआ है। अब इसने कूलिंग कॉइल की हीट ट्रांसफर होगी तो एयर आपकी ठंडी होगी। अब यहां पे जो एयर है वो ठंडी एयर है, कॉइल से आगे की जो एयर है वो आपकी ठंडी एयर है। अब ठंडी एयर जा रही है इन 15 रूम के अंदर, इन 10 रूम के अंदर आपकी ठंडी एयर जा रही है जो उस रूम के मुताबिक पूरी जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या नुकसान है, अब इसमें यह होता है कि किसी रूम में एक से ज्यादा लोग बैठे होते हैं, ठीक है, किसी रूम में 10 लोग बैठे होते हैं, किसी रूम में 2 लोग बैठे होते हैं। अब वहां पे क्या होता है, जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें, अगर किसी रूम में 1 लोग बैठे हैं, ठीक है, उसकी पहले कैलकुलेशन होगी, लेकिन बाद में उन्होंने उसमें चेंजिंग कर दी, उस रूम में 3 लोग बैठना शुरू हो गए, अब उन 3 लोगों के कंप्यूटर्स भी आ गए, वहां पे 3 लोगों के लिए लाइटिंग भी बढ़ा दी गई, अब ये तमाम चीजें जब बढ़ गई तो आपकी ये आपको पता है कि ये तमाम चीजें मिलके आपकी हीटिंग बढ़ाती हैं, हीट पैदा करती हैं, तो आपके रूम में गर्मी हो गई, आपके रूम में गर्मी होगी। अब लेकिन आपके जो रूम में एयर आ रही है उसने उतना ही आना है, उसने उतनी ही कूलिंग करनी है जितनी आपने उसको डिजाइन कर दी। अब क्या होता है, अब AHU से हम कॉल करते हैं कि भाई AHU की कूलिंग बढ़ा दो, अब साथ में कोई कुछ रूम ऐसे भी होंगे उन 10 रूम में जिसमें कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जिसकी उम्र ज्यादा होगी, बुजुर्ग होगा, उसको सर्दी लगती होगी, है, अब उसको सर्दी लग रही है, इनको गर्मी लग रही है जो 3 लोग बैठ गए, तो कैलकुलेशन तो पूरी हुई थी, लेकिन क्या होता है कि आपके यहाँ पे 13 सेंटीग्रेड है,
इसमें भी 13 होगा, इसमें भी 13 सेंटीग्रेड की एयर सप्लाई हो रही है, इसमें भी तमाम रूम्स में इक्वल एयर का टेम्परेचर जा रहा है। अब कुछ लोग सर्दी ज़्यादा फील करते हैं, कुछ लोग गर्मी ज़्यादा फील करते हैं, हर इंसान की डिफरेंट उसकी माइंडसेट होता है, वो अपने मुताबिक टेम्परेचर मेंटेन। तो हम कहते हैं कि हम इसमें ये VAV कंट्रोलर लगा दें। अब ये VAV का क्या काम है, इसने हर रूम का टेम्परेचर अलहदा से कंट्रोल करना है। अब इसने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करना, इसने एयर को कंट्रोल करना है। अपने जहन में रख लें, VAV बेसिकली एयर को ही कंट्रोल करता है, लेकिन वो कंट्रोल टेम्परेचर को सेंस करके करता है। अब ये इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं, मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। यानी कि आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा लेकिन आपकी एयर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 13 सेंटीग्रेड का इस रूम में टेम्परेचर आया, इस रूम में दो लोग बैठे हैं उनके लिए ठीक है, इस रूम में एक बंदा बैठा है वो कहता है जी मुझे सर्दी लग रही है, मैं अपने रूम का, हमने उसके रूम के अंदर एक थर्मोस्टेट लगा दी कि भाई जब आपको सर्दी लगे तो आप इसके टेम्परेचर बढ़ा दो, आप 23 रखा हुआ है 25 कर दो, अगर आपको गर्मी लगे आपने टेम्परेचर 25 रखा हुआ है आप इसको कम कर दो आप 23 कर दो, तो आपका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। अब वो टेम्परेचर सेंसर थर्मोस्टेट हमने उसके अंदर लगा दी, अब उस थर्मोस्टेट में हमने एक टेम्परेचर सेंसर भी लगाया था, जहाँ पर भी थर्मोस्टेट लगी होगी उसके अंदर सेंसर होगा, वो उस रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा। उसने अगर 23 टेम्परेचर रख दिया अपने रूम का कि मेरे मुझे रूम में 23 टेम्परेचर चाहिए, जब उस रूम का टेम्परेचर, जाहिर सी बात है एयर तो भी आ रही है, तो जब उसके रूम का टेम्परेचर 23 हो जाएगा ना, तो फिर क्या करेंगे हम, जो एयर आ रही है ना ठंडी एयर, हम उस एयर को बंद कर देंगे। VAV का यही काम है, वो टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर को बढ़ाता है या कम नहीं करता, उसके अंदर ना तो कोई कूलिंग होती है ना कोई हीटिंग होती है, मतलब कि कुछ किस्में आई हैं उनके अंदर लेकिन उनका बेसिकली मकसद ये नहीं है। इसका जो मेन मकसद है ना वो यही है कि एयर को कम कर दे या एयर को बढ़ा दे, उसके टेम्परेचर को कम ज़्यादा नहीं करता। टेम्परेचर को आपका ये कूलिंग कॉइल के ऊपर जो वाल लगा होता है ना, कूलिंग कॉइल के ऊपर, एक्चुएटर के ऊपर, कूलिंग कॉइल की लैंप, चिल्ड वाटर के ऊपर, चिल्ड वाटर को जो कंट्रोल टेम्परेचर को वो करता है। अगर हम इसका AHU का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो वो 10 के 10 रूम में बढ़ जाएगा, अगर हम कम करेंगे तो वो 10 के 10 रूम में कम हो जाएगा। इसलिए हमने अलहदा से अपनी मर्जी के मुताबिक जो उस रूम में बैठे हुए हैं वो वहाँ पे क्या करें कि भाई जब टेम्परेचर रख दिया 23 तो उस रूम का टेम्परेचर 23 हो जाए तो वो उस रूम के एयर जाना कम हो जाए, एयर का फ्लो कंट्रोल करेगा, एयर के वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा। अब इसके अंदर जो VAV के अंदर लगा क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये थर्मोस्टेट हमने जो इसको लगाई, इसके अंदर जो टेम्परेचर सेंसर लगा होता है ना, वो सेंसर ऑलवेज योर इनपुट डिवाइसेस, आपकी हमेशा जो सेंसर होते हैं वो आपके इनपुट डिवाइसेस होती हैं। वो सेंसर, क्योंकि सेंसर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाई फिजिकली कंडीशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, वो सेंसर होता है। छोटी सी एक डेफिनेशन है कि फिजिकली कंडीशन को सेंस करे तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। जो सेंसर होते हैं वो बेसिकली टेम्परेचर सेंसर है ना, तो उसने देखा हीट हो गई, एक फिजिकली आप भी चेक कर सकते हैं, तो उसको उसने सेंस किया कि हीट हो गई है, तो फिर उसने आपके इनपुट दे दी आपके कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर एक प्रोग्रामिंग कंट्रोलर होता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की होती है कि भाई वो हर जगह पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती है, उसकी कैलिब्रेशन होती है, सारा कुछ होता है उसकी मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम रीड होता है, जब उसको पढ़ता है कि टेम्परेचर सेंसर ने क्या मैसेज दिया है, फिर उसके मुताबिक वो काम करता है। अब वो उसने मैसेज दिया है कि भाई रूम का टेम्परेचर पूरा हो गया, वो सिग्नल से आता है हमारा, जो सिग्नल होते हैं ना आपके सेंसर के जो करंट की सूरत में आते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रीड करेगा, कितने सिग्नल आए हैं उसी के मुताबिक वो आगे फिर मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। जब वो मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा कि भाई मोटर को, फिर वो कंट्रोलर आपके आउटपुट देगा, पहले उस कंट्रोलर ने आपके मैसेज को पढ़ा, फिर उसने एक ऑर्डर दिया आपके वाल को, आपकी मोटर को, कि भाई ये काम करो, बंद हो जाओ क्योंकि रूम का टेम्परेचर खुल गया। अब जो वो एक्चुएटर होता ना, एक्चुएटर यानी कि मोटर, जहां पे भी एक्चुएटर का लफ्ज यूज होगा ना, वो आपकी आउटपुट होगी, आपका डिवाइसेस होगी, आपकी आउटपुट डिवाइसेस होंगी। एक्चुएटर का मतलब होता है आपकी, एक्चुएटर्स का मतलब ऑलवेज योर आउटपुट डिवाइसेस। अपने जहन में ये बातें बिठा लें, आपकी जो एक्चुएटर है वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो फिर क्या, एक्चुएटर के साथ एक रॉड लिंक होता है जो आपके डैम्पर, अब डैम्पर क्या, डैम्पर आपके जो डक्ट है उसका रास्ता बंद करता है या ओपन, एक गेट है जैसे आपके वॉल के अंदर हो सकता है, उसको पानी को जो बंद करता है, ऐसे ये गेट होता है आपकी डक्ट के इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब वो उसको
सीट को आगे से बंद कर देगा रास्ता, एयर का एयर मजीद नहीं जाएगी कि भाई रूम का टेम्परेचर पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से ये वीएवी काम करता है, इसके मेन पार्ट्स हैं। अब इसकी इकसाम है जो वीएवी कांड्स हैं इसकी, वो भी काफ़ी हैं कि इसमें फ्लो से एयर फ्लो सेंसर भी लगे होते हैं, कई ऐसी डिवाइसेस होती हैं वीएवी की जिसके अंदर टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं, हीटर लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, आपके हीट जो हीट पंप होता है उसके भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें ब्लोअर का भी कहीं पर यूज़ होता है, जो आपकी रिटर्न है बाहर की अगर एयर की ज़रूरत पड़े वो भी उसमें फ्रेश एयर भी मिक्स कर देते हैं, ब्लोअर इसके साथ अटैच होता है। इसकी बहुत ज़्यादा एक्साम होती हैं। तो बेसिकली यही फ़ायदा है कि इसमें हर रूम को अलहदा से कंट्रोल कर देते हैं, क्योंकि AHU अगर हम कंट्रोल करेंगे AHU से तो वो जो मेन सप्लाई आ रही है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अपने जहन में ये रख लें कि जो VAVE है वो स्पेशली डिज़ाइन फॉर सेपरेट रूम्स, कि सेपरेट रूम्स में जो आपके अगर हम इस मेन डक्ट में VAVE का इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर उसका यही है कि सब रूम्स की वो एयर कम होगी, लेकिन VAVE ऑलवेज यूज इन सेपरेट रूम्स। तो दोस्तों इस तरह की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड मजीद जो अपलोड करें वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।